जो जबरदस्त स्वागत आपने किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। इतने सारे फूल नीचे बैठ जाओ, नीचे सर आपने बरसाए और सबसे बड़ी कृपा ये करी उसमें भी बरसाए कारण ये है फूल की पखेड़िया समझ जाती है कपड़ों में तो खुशी कर करके मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन आपने सम्मान के साथ हमारा सड़क पे फूल बरसा दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार हम लोगों ने जो यात्रा प्रारंभ की है वो इसलिए की है कि आप अपना टेलीविजन खोलते हो तो रोज बात आती है मोदी गारंटी मोदी गारंटी मोदी गारंटी। ये मोदी गारंटी क्या है? जो मोदी गारंटी 2014 में दी थी काला धन आ जाएगा, काला धन जो आएगा उससे 15-15 लाख रुपए सबको मिल जाएंगे, ये कहा था कि नहीं कहा था? 2 करोड़ नौकरियां हो जाएंगी, भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दो बार। लेकिन ये सारी गारंटी बेकार साबित हुई। फिर अब गारंटी दी थी मध्य प्रदेश चुनाव में कि आप भाजपा को जिता दो, गेहूं की फसल के 2700 रुपए क्विंटल आपको दिए जाएंगे, ये कहा था कि नहीं कहा था? मोदी गारंटी आई थी। दूसरी गारंटी थी कि भाजपा को जिता दो, लालजी बहना के 1250 से बढ़ाकर 3000 कर देंगे, ये गारंटी दी थी आपको, वो भी पूरी नहीं हुई। तीसरा वादा किया था भाजपा को जिता दो, खाना पकाने की गैस की टंकी 450 में दे देंगे, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो ये हमारी यात्रा वादा निभाव यात्रा है जिसमें आप सबके बीच में हम लोग आए हैं, कीर्तिपुर दरबार पधारे हैं, हमारे रेणु सिंह जी बापू जिसने के विधायक पधारे हैं और बाकी सब लोग मेरे साथ आए हैं। आप सबसे यही विनती करने के लिए कि आप हमें समर्थन दीजिए और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र को मैं पूरे तरीके से पूरे दृढ़ता से लोकसभा में उठाऊंगा, आपकी दिक्कत परेशानियों की लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि आपका और हमारा कम से कम 30-40 साल का पारिवारिक संबंध है और पुराना देखे तो और भी ज्यादा होगा। तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको मिलने में कहीं मुझे तकलीफ नहीं होगी, फोन भी मैंने कुछ लोगों को यहां दे दिया है, केवल उस पर मैसेज डाल दीजिए मैं आपसे संपर्क करूंगा। मैं इसीलिए यहां पर मुझे बताया यहां पानी का संकट है, यहां पर भी पानी का संकट तो नहीं है, ये पूरे इलाके में पीने का पानी नहीं। हमारी नहर भी पलटा दी है, हम सर्वे करवाएंगे। मैं वादा करता हूँ यहाँ पे पठारी क्षेत्र है इसमें डेम का पानी रुका हुआ है। आपको कौन सांसद बने घोषणा कर दो, एक साल में पाइप लाइन मिलना की खड़ेंगे वो सदगुरु के माध्यम से। देखिए हमारे बापू जो है धर्म सिंह जी, ये बड़े
मैं समझता हूं कि रिसोर्सफुल है, रिसोर्सफुल में समझते आप कि ये जुगाड़ू आदमी है, तो ये जुगाड़ यहां के लिए भी कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं आपकी पहुंचवा देंगे और सम्मान करेंगे। जरूर जरूर करेंगे सरकार की तरफ से, यार की समस्याओं के राजगढ़ जिले में ये एक टापू ऐसा है जो कि कटा हुआ है चारों तरफ से, इसलिए 30-40 गांव का जो ये टापू है यहां पानी पहुंचाने की जवाबदारी बिजली के हमारे मंत्री थे, इनको आपने बताया नहीं था तुरंत एक ही दिन में आ गई थी 11 मार्च को शाजिम पटेल से डबी गोविंद सिंह जी की वहाँ चर्चा हुई थी आपने की 11 में कल्ला उठा रहा हूँ, वो नानने वाला का आपका मसला हल कर देंगे, तो उसी दिन मामला गड़बड़ हो गया फिर आगे गड़बड़ नहीं होने देंगे, आगे गड़बड़ नहीं होने देंगे। थोड़ा बोलता भी सीखो आपके प्रचार के पट्टे की अब नहीं पट्टे हमारे आपके सभी आपके खूब हाँ गोपीलाल जी अब गोपीलाल जी का भाषण होगा इधर आओ आ जाओ जालूबा आ जाओ हाँ बताओ हाँ साहब हमारे अजय साहब आया है आपको गांव में हल करवा कम करवा ज्यादा करके मजबूरी करके आपका भी ध्यान लगा होगा दिल लगा होगा तो आपको मतलब ये आप हमारे अजय साहब छोटा मोटा से सबसे बात करके जिंदगी होगी शुरू से इमेला बनिया मुख्यमंत्री बनिया संसद बनिया और हमारा काम सबसे फरक जैसा हुआ है और चलाया आगे बहुत आप करोगा तो आपके हाथ भी यहां है नहीं तो देश भी बिक जाएगा और आप भी बिक जाएगा। यह है सब बच चुका है कुछ नहीं बचा है आप अंदर है बाहर नहीं क्या है अभी चलो सभी कार्यकर्ता बंधु आपका सम्मान करें कार्यकर्ता अपनी पूरी टीम आ जाए ऐसा जल्दी फटाफट समय का अभाव है फटाफट आ जाइए लाइन से अरे भैया कैमरे वाले की जगह दे दो कैमरे वाले की जगह युवा टीम साहब का सम्मान कर रही है ये नीचे करो लाइट कैमरे वाले को जगह दे दीजिए अच्छे से फोटो आ जाएंगे सबके।